ब्लू चिप कंपनी। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लू चिप कंपनी के बारे में और आज के डेट में इंडिया की जो टॉप के 10 ब्लू चिप कंपनी है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ और इसमें निवेश करके कैसे आप एक अच्छी मुनाफा बुक कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। इन कंपनियों को सम्मिलित करके एक अच्छा बेस्ट पोर्टफोलियो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। चूँकि अभी जो समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ब्लू चिप कंपनियाँ ज़्यादा हाई डिमांडेड है और इसमें निवेश आपको एक अच्छे रिटर्न भी दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लू चिप कंपनियों के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ वो कौन से लोग हैं जो इसमें निवेश कर सकते हैं और 10 ब्लू चिप कंपनियों के लिस्ट में आप सबके लिए लेकर आया हूं। तो सबसे पहले ब्लू चिप कंपनियां वो कंपनियां होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा रहता है, साथ ही साथ ये वेल नोन रहते हैं मार्केट में, इनका जो पकड़ रहती है काफ़ी मजबूत रहती है और एक अच्छे खासे इनके पास प्रोडक्ट रहते हैं, काफ़ी लार्ज नंबर में इनके प्रोडक्ट रहते हैं, मार्केट में इनकी जो पहचान रहती है काफ़ी मजबूत रहती है, ये किसी पहचान की मोहताज नहीं रहती है, इनका जो इस्टाब्लिश्ड रहता है काफ़ी हाई रहता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है और अर्निंग जो है लगातार ग्रो करता हुआ रहता है और मार्केट वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा रहता है। अब इन ब्लू चिप स्टॉक में कौन निवेश कर सकता है या ब्लू चिप स्टॉक में निवेश के जो फायदे हैं वो क्या हैं, तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ब्लू चिप स्टॉक में वो लोग निवेश कर सकते हैं जो लगातार अपने पोर्टफोलियो में ग्रो देखना चाहते हैं, जो एक फिक्स इनकम के तौर पे इस मतलब देखना चाहते हैं। हालांकि शेयर मार्केट में गारंटेड नहीं रहता है किसी भी स्टॉक में फिक्स इनकम की, बट फिर भी पूरे मार्केट के वैल्यूएशन किया जाए तो उसमें ब्लू चिप स्टॉक में एक अच्छी एस्टैब्लिश्ड अर्निंग आप देख सकते हैं। ब्लू चिप स्टॉक समय समय पर अपने निवेशकों को बोनस देती रहती है डिविडेंड के रूप में और इसके अलावा जिनके पास एक टाइम नहीं रहता है मार्केट को वॉच करने के लिए वो भी ब्लू चिप स्टॉक में निवेश करके आराम से सो सकते हैं। लॉन्ग टर्म के निवेश के रूप में देखा जाए तो ब्लू चिप स्टॉक में निवेश एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। ये है टॉप 5 रीजन जिसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ब्लू चिप स्टॉक में निवेश करने ही चाहिए। सबसे पहला स्टेबल अर्निंग रहता है इसमें, उसके बाद में डिविडेंड जो रहता है इसमें पेमेंट डिविडेंड के रूप में आपको मिलता रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है इनका फाइनेंशियल पोजीशन और इसमें जो उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है बहुत ही कम रहती है और कंपटीटिव ब्रांड का जो है इसमें एक अच्छा इनका एडवांटेज मिलता है, चूँकि ये वेल नोन रहते हैं पूरे मार्केट के लिए और इसके प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा वेल नोन रहते हैं जिसका इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, इसके कारण इनके इनकम बढ़ते ही जाते हैं। तो ये थी ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में थोड़ी हिंट। अब देख लेते हैं कि बेस्ट ब्लू चिप स्टॉक कौन सा है निवेश के लिहाज से। 2020 में यदि आप निवेश करना चाहते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स में तो वो ब्लू चिप स्टॉक कौन सा है, और यदि आपके पास अभी भी डीमैट अकाउंट नहीं है या किसी और ब्रोकर से आप संतुष्ट नहीं हैं तो एंजल ब्रोकिंग के साथ में डीमैट अकाउंट खोलिए और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे ब्रोकरेज के नाम पे 0 रुपया लगता है डिलीवरी में, जबकि इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपये पर यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सस्ता ब्रोकर है, फुल सर्विस ब्रोकर है। डीमैट अकाउंट ओपन कराना एकदम फ्री है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सी कंपनी है जो ब्लू चिप कंपनी के रूप में सम्मिलित है इस वीडियो में और टॉप के 10 ब्लू चिप कंपनियों के बारे में जो बताने वाला हूं उसका लिस्ट आप सबके सामने बस आने ही वाला है। तो सबसे नंबर 1 पे जो कंपनी है उसके बारे में आप बहुत हद तक जानते हैं, एक अच्छी कंपनी है, अच्छी ब्रांड का इस पर लोगो लगा हुआ है, TCS। जी हाँ, टाटा की एक कंपनी है TCS जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। TCS एक भारतीय मल्टीनेशनल IT कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यह टाटा समूह की एक सहायक कंपनी है और पूरे 46 देशों में 149 स्थानों पर काम करती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से TCS सबसे बड़ी कंपनी है। दूसरे नंबर पे जो ब्लू चिप कंपनी है उसके बारे में भी आप जानते हैं और ये है रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री अपने आप में किसी पहचान की मोहताज नहीं है और देखा जाए तो हर किसी के पोर्टफोलियो में ये कंपनी सम्मिलित रहता है और इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम ही है।
रिलायंस इंडस्ट्री एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। रिलायंस वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है इंडिया में, और रिलायंस जो है सबसे ज्यादा पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और $100 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सीड करने वाली पहली कंपनी है। इतना ही नहीं, 106 नंबर पे आती है ग्लोबल 500 कंपनियों की लिस्ट में। तीसरे नंबर की जो ब्लू चिप कंपनी है उसके बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, और ये मैं दावा के साथ कर सकता हूं कि आपके किचन या बाथरूम या फिर किसी भी रूप में आपने इसके प्रोडक्ट यूज करते ही होंगे। फिर आप देख लीजिए पूरी लिस्ट, इसमें से कौन से प्रोडक्ट आप यूज करते हैं ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक आती है, जो हमारे ज़रूरत का लगभग हर सामान हर प्रोडक्ट ये बनाती है। ऐसी कंपनियों की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफ़ी तगड़ी रहती है, क्योंकि मार्केट में इनका कोई भी कंपटीटर इनके समान नहीं रहता है, जिसके कारण इनका मार्केट में एकलनामा रहता है। चौथे नंबर पे जो कंपनी है वो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि HDFC। HDFC सर्विस प्रोवाइड जो कराती है उसमें से लोन, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, जनरल इंश्योरेंस जैसी ये सर्विस प्रोवाइड कराती है, और इसकी बहुत लार्ज नंबर में अपनी सब्सिडीज कंपनी है। HDFC बैंक और ग्रह फाइनेंस इसकी टॉप की 2 सब्सिडीज कंपनी है। ग्रह फाइनेंस हाल ही में इसमें मर्जर हुआ था। नेट इनकम की लिहाज से देखा जाए तो 17,662 करोड़ का इनका नेट इनकम है। तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर HDFC को भी आप अपने पोर्टफोलियो में सम्मिलित कर सकते हैं, ये मार्केट लीडर के नाम से भी जाने जाते हैं। अगले नंबर पे जो कंपनी है वो है ITC। ITC यानी कि इंडियन टोबैको कंपनी। इंडियन टोबैको कंपनी बहुत ही वेल नोन है सभी के लिए, और ये सिगरेट के कारण बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके सबसे ज़्यादा जो ब्रांड चलते हैं वो सिगरेट में ही चलते हैं। सिगरेट के अलावा भी इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। इसके प्रोडक्ट में खाने पीने के सामानों से लेकर पर्सनल केयर, एजुकेशन एंड स्टेशनरी, अगरबत्ती, सेफ्टी माचिस, लाइफ स्टाइल, सिगरेट, सिगार, होटल के कामों में भी अग्रणी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में यदि हम इसके नेट इनकम की बात करें तो 12,824 करोड़ का इसका नेट इनकम है, जो इस ब्लू चिप कंपनी को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। छठे नंबर की ब्लू चिप कंपनी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC नवरत्न कंपनियों में से एक है। ONGC जो सर्विस एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है उसमें पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, LNG, लुब्रिकेंट, पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिसिटी के साइड में है। इसकी टॉप की जो सब्सिडरीज कंपनी है वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो वेल नोन है सभी के लिए। ONGC मल्टीनेशनल कंपनी है क्रूड ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन के लिहाज से। ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन में। इंडियन मार्केट की 70% क्रूड ऑयल और 84% नेचुरल गैस का प्रोडक्शन ये करती है। 2010 में इस ब्लू चिप कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा भी मिल चुका है। सातवें नंबर पे जो कंपनी है वो है IT सेवा की इंफोसिस। इन्फोसिस ग्लोबल लीडर भी है टेक्नोलॉजी सर्विसेज में, जबकि सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, IT कंपनी है TCS के बाद में, और क्रेडिट रेटिंग में A रेटिंग इसकी है। एनुअल रेवेन्यू पर एक नज़र डालें तो $100 मिलियन था 1999 में, जबकि $1 बिलियन हो गया 2004 में, और 2017 में $10 मिलियन हो गया। आठवें नंबर की जो ब्लू चिप कंपनी है वो है आइसर मोटर। आइसर मोटर का नाम आपने सुना होगा। आइसर मोटर बुलेट बाइक के कारण ज़्यादा पॉपुलर है। इसके प्रोडक्शन में कमर्शियल व्हीकल एंड इंजन्स है, जबकि इसके सब्सिडियरीज में जो टॉप की नामी ग्रामी सब्सिडियरीज है वो है रॉयल इनफील्ड्स के नाम से। आइसर मोटर मोटरसाइकिल की साइड में बहुत पुराना ब्रांड है, और ये आज भी अपनी प्रोडक्शन कर रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखिए तो बहुत अच्छी है इसकी फाइनेंशियल स्टेटस। नेक्स्ट जो ब्लू चिप कंपनी है वो फार्मा सेक्टर से है, और इसका नाम है सन फार्मा। सन फार्मा अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है फार्मा सेक्टर के लिए, और इसके प्रोडक्शन में जो सम्मिलित है वो है फार्माकुलर जेनरेट ड्रग्स, और इसके बाद सन फार्मा जो है इंडस्ट्री है वो मल्टीनेशनल कंपनी है फार्मा सेक्टर्स की, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 72% इसके रिवेन्यू जो है वो आउटसाइड इंडिया से आते हैं, और ये सेकेंड
इंडिया मोस्ट रिप्यूटेड ब्रांड है। रैनबैक्सी के इसमें अधिग्रहण से लार्जेस्ट फार्मा कंपनी बन चुकी है इंडिया में। यूएस में इसे लार्जेस्ट इंडियन फार्मा कंपनी का खिताब भी हासिल है। ग्लोबल रैंक पे ये पांचवी कंपनी है एज स्पेशलिटी जेनरिक कंपनी। दसवें नंबर पे जो ब्लू चिप कंपनी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। SBI यदि बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो SBI के बगैर बैंकिंग सेक्टर कुछ भी नहीं है। ये एक सरकारी बैंक है और बैंकिंग सेक्टर में सबसे नंबर वन रैंक पे हासिल है। इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो रिटेल बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लोन, प्राइवेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, क्रेडिट कार्ड, फाइनेंशियल कार्ड, इंश्योरेंस के अलावा इसके सब्सिडियरीज कुछ हैं जो कि SBI लाइफ इंश्योरेंस, SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक और जियो पेमेंट बैंक में इसका 30% शेयर है। SBI की यदि स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो SBI की बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है। यदि पूरा स्पेसिफिकेशन इस वीडियो में डाला जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट आप सबके सामने डाल दे रहा हूँ। ये सबसे पुरानी कमर्शियल बैंक है, इसमें सिर्फ एक शेयर होल्डर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफ़ी तगड़ी है, चूँकि ये देश की धड़कन है, ये फाइनेंशियल सपोर्टर है इंडिया की, इसलिए काफ़ी अच्छी है। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना जनाब। देखते रहिए बेस्ट इनकम रिसोर्सेज। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।